क्या लकी प्राजी ने बुक कर लिया? लकी प्राजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिंकी, इस वक्त मैं मकान लेने की सोच भी नहीं सकता हूं। शायद हमें ये घर छोड़ना पड़े। अगर मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो गया तो एक महीने में हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे मुझे घर देखना शुरू करना चाहिए। किराए के लिए मुझे ये काम कल से ही शुरू कर देना चाहिए। मैंने गुस्से में आकर कैसे पागलपन का काम कर दिया है। मैंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। मैं कल ही अपॉलॉजी लेटर लिखूंगा और बॉस से जाकर बात करूंगा और कहूंगा जी, डोंट पैनिक। आपने कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं की है। आपने वही किया जो एक इज्जतदार इंसान करता। वो इंसान जिसका मान सम्मान ही उसकी ताकत होती है। भरोसा कीजिए जी, शांत हो जाइए और आगे जो भी कदम उठाना है एक एक कर उठाइए। हाँ, माथे पर से शिकन हटाइए। कल आप लकी जीजाजी से बात तो कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट करेंगे, अपने टारगेट को पूरा करेंगे। कब से पढ़ रही? अब एक घंटा। अरे बारे मेरी अच्छी वाली परी, ले गरम गरम पी ले, अच्छा लगेगा। नानी माँ, आप आधे घंटे से फोन पर लगी है ना? हाँ, तो किन्हीं से सिलेबस पूछ रही हूँ। बेटा, सिलेबस पूछा नहीं जाता, पढ़ा जाता है और पूरा भी किया जाता है, यू नो। हाँ, तो एक बार सिलेबस जान लो, पढ़ लूंगी। अच्छा मामा, मुझे भी और चोको दूध चाहिए। हाँ मेरा बच्चा, तेरे भी लेकर आती हूँ, लेकिन पहले तू बिस्तर में से निकल, बाथरूम जा और बशी बशी कर ले। अच्छा बाय द वे जीती, तूने ब्रश किया? हाँ, ब्रश करके फिर से बेड में घुस गई। वो क्या है ना, मैं जबरदस्ती सवेरे ब्रश करवा देती है ना, अब जब तक नाश्ते का बुलावा नहीं आता तब तक का टाइम है, फिर तो माँ का सिलेबस ही शुरू हो जाएगा ना। यार हम कब बड़े होंगे, कब अपनी मन मर्जी से जिएंगे? राशि, मैं पढ़ रही हूँ। सॉरी। बेटा हॉल में मत खेलो ना गाड़ी के साथ, अपने कमरे में जाके खेलो राजा। अरे क्या पापा, आपने मेरी कार को हेलो भी नहीं बोला। वो आपको हेलो बोलने आई थी, अब वो और एक राउंड लेना जा रही है। ठीक है मम्मी, आपने मेरी कार खराब कर दी, देख कर नहीं चल सकती हो क्या? सनी, ये क्या तरीका अपनी मम्मी से बात करने का? मम्मी ने तुम्हें कहा था ना हॉल में गाड़ी के साथ मत खेलो, अगर तुम्हें अपनी गाड़ी के साथ खेलना है तो जाकर कमरे में खेलो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए गंदी कार। दादी, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? आपसे कहा था ना मैंने कि हॉल में मत खेलो, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। देखा, आपकी वजह से पापा का नाश्ता गिर गया। सॉरी बोलो पापा से। टीवी देखना बंद, नो टीवी फॉर यू टुडे। ओए गिनी, अब तक सो रही? माँ नहीं, माँ मैं तो ना भी ली। मस्ती कर रहा, चल उठ जल्दी से, मेरी मदद कर। ओह, तब मुझे बेवकूफ बनाए थे, कितनी मजा आ रही थी रजाई में। अरे मजाक कर रहा हूँ ना। माँ कहाँ है? क्यों, बुला दूँ? नहीं, क्या काम है? गिनी यार, मेरे को एक राइटर की जरूरत है यार। पर मैं तो रॉकस्टार हूँ। ओहो, वो वाला राइटर नहीं, मतलब मेरा ट्यूशन का होमवर्क करने के लिए। मैं ना तुझे डिक्टेट करूंगा, तू लिखती रहना, मुझे डिक्टेट करने की भी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम ऐसे ही तो लिखूंगा मैं। अच्छा, तो आपके लिए एग्जाम में कौन लिखेगा?
पता नहीं जो भी टीचर सिलेक्ट करेगी। गिनी प्लीज यार ये काम कर देना, देखो जो सब्जेक्ट सीखना है मैं सिखा दूंगा पक्का, प्रॉमिस। वेल आपका काम हो सकता है। ओ थैंक्स। लेकिन उसके बदले मुझे आपसे पढ़ना नहीं है। हाँ? मैं अपने काम के बदले कैश लूंगी। कैश चाहिए? हाँ एक मिनट के। ₹100। क्या एक मिनट के ₹100? हेलो मैं क्या आगरा से आया हूँ? आगरा में क्या है? मेंटल असाइलम, पागल खाना है वहाँ पे। एक घंटे का 50। एक घंटे के ₹200। 75? नहीं 190। 90? 175। अरे 100? 160? 125? 150? 130? 150? ठीक है यार 150, लूट रही है मेरे को। डन? हाँ हाँ डन। पर उधारी नहीं चलेगी? हाँ चैप्टर रावी वो। अरे तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मामा सी मैंने जमा किया है अपनी पॉकेट मनी में से, और जब आप पैसे देते हो और उसमें से जो बचता है वो अपने पास रख लेती हूँ, फिर जो पापा देते हैं वो भी, तो इतने जमा हो गए। अरे वाह मेरी रानी बेटी, सेविंग्स करना तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा सुन तू वो कंप्यूटर यूज कर रही है अभी? नहीं मामा मेरा काम हो गया। अच्छा ऑन है ना? हाँ जी। क्यों? नहीं ऐसे। काश ये सब मैंने कभी समझने की कोशिश की होती, एक बार लगकर सीख ही लेती ना तो अच्छा होता। ओ मेरे लड्डू गोपाल, सुपरमैन सनी, सनी। हाँ क्या है? अरे मेरा छोटा बच्चा, मामा की हेल्प कर देना प्लीज सनी, ये कंप्यूटर ना तुझे मुझसे ज्यादा आता है। नहीं मुझे आपकी हेल्प नहीं करनी है, आपने मुझे बाहर डांटा था ना। सुन क्या क्या हुआ बोले, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कुछ नहीं गुड़िया, वो फ्री बैठी थी ना तो सोचा कि एक कंप्यूटर शंप्यूटर जरा सीख लूं। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर नया लेटर कुछ टाइप करना हो तो किस में क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए डॉक्यूमेंट में? वेरी सिंपल, पहले आप राइट क्लिक करो, फिर आप न्यू पेज पे जाओ, फिर आप एमएस डॉक खोलो, हो गया। राइट क्लिक, अरे मामा मास्टर नहीं है, राइट मैं करूं। अरे चुटकी रहने देना, तू मुझे पेपर यहाँ है, एक पेन दे सकती है क्या? ये कंप्यूटर शंप्यूटर समझने के लिए बड़ा इत्मीनान चाहिए, सीरियसली। थैंक यू। बेस्ट, एक रफ ड्राफ्ट बना लेती हूँ, चीज से फाइनल करवा के टाइप करवा लूंगी। सुपर। बेचारी कितना काम करती है, ऊपर से होमवर्क। अरे संजय। अरे जीत साहब आप, क्या बात है भाई, कहाँ हो? कल ऑफिस आए नहीं और आ जा रहे हो भी 12 बजे, चल क्या रहा है? इसमें 2 लोन फॉर्म्स हैं, मैंने सारी डिटेल्स भर दी हैं, क्लाइंट ने साइन भी कर दिया है, इसे मेरी तरफ से फाइल कर देना, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, चलता हूँ मतलब? मेरा काम हो गया, बाय। नेम मिसेस पिंकी जीत आहूजा, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीटेड इन 97-98। अब तो ये भी आते हैं कि ग्रेजुएशन कब खत्म किया था, कभी आज तक बायोडाटा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
सोचा था कॉलेज खत्म करके काम करूंगी, लेकिन फिर जीत आप मिल गए और आपने मुझे इतना बिगाड़ दिया कि आज अपना खुद का बायोडेटा तक नहीं बना पा रही। सर्टिफिकेट्स, कुछ सर्टिफिकेट तो होने चाहिए मेरे पास। हाँ, और बाकी सारे अब तक पापा जी के पास ही होंगे। पापा जी से कहूंगी कि सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो पूछेंगे कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और कहूंगी कि नौकरी करना है इसलिए चाहिए, तो फिर सवालों का लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। मम्मी, देखो ना इसे। ये बच्चे भी ना दो पल शांति से काम नहीं करने देते। सनी, मेरे भाई, मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ने दे प्लीज, कहीं और जाके खेल ले यार। पर देखो तो सही, राशि दीदी देखो ना कितना अच्छा खेलता हूँ मैं। क्या हुआ सनी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपसे कहा था ना कमरे में जाइए। पर मैं आवाज थोड़ी ना कर रहा हूँ। सनी इनफ, आज बहुत उधम मचा रहे हो आप। देखो ना ऐसे ही यहाँ पे बॉल बाउंस करे जा रहे, इट्स सो इरिटेटिंग यार। हाँ मैं इसे ले जाती हूँ बाहर। सनी चलो तुम मेरे साथ। और हेलो माता जी, आपने आज ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो आप अब तक सो रही हैं? रावी दीदी इतनी पढ़ाई कर रही है कि उन्हें देखकर मुझे नींद आ रही है। स्मार्टी चलो उठो, कम ऑन इसे ले जाते। और तू चल चल। मैं बॉल से नहीं खेलता, मुझे कपड़ा दे दो। कपड़ा क्यों? ड्राइंग करने के लिए। कपड़े पे? हाँ मौसा जी कल मेरे कलर्स लाए थे, कपड़े पे ड्राइंग करने वाले। उस कबर्ड में नीचे के खाने में पुराने कपड़े पड़े हैं, जाके ले लो। ठीक है। अरे आजा भाई बैठ। ओ प्रताप सिंह बोल भाई, चाय कॉफी समोसा कचौड़ी जलेबी? नहीं प्राजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्राजी आपने वो बुकिंग कर दी उस मकान की? ओ यार ओ मैं तुझे कहा था ना प्रोजेक्ट बड़ा हॉट है, जल्दी फुल हो जाएगा। तो जी बिल्डर का मुझे फोन आया, उसने कहा डिपॉजिट दे जाओ बुकिंग के वास्ते। मैं तुझे फोन लगाया तू उठा नहीं रहा था, तो मैंने दे दिया। कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? लेकिन मुझसे बगैर पूछे? ओ यार पैसे तूने दिए मैंने दिए एक ही बात है भाई, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है फिलहाल मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं मजबूर हूँ इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ। ओ देख यार मेरे पास पैसे थे मैंने दे दिए, बुकिंग तो हो गई ना, अब प्रोजेक्ट शुरू होने में टाइम है, तेरे पास जब पैसे आए ना जब भी आए दे दियो। नहीं प्राची मुझे सर पर उधार लेकर रात को सोने की आदत नहीं है, आप ये बुकिंग कैंसिल कर दीजिए, मुझे ये मकान नहीं चाहिए। यार हेलो, हाय स्मिता, पिंकी बोल रही हूँ, कैसी है तू? अच्छा सुन ना, वो तू कुछ प्रोडक्ट्स बेचती थी घर से, वो काम अब भी करती है क्या? अच्छा अरे वाह, अगर मैं वो काम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ? ओके और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी? नहीं? That's wonderful. ठीक है तो मैं तुझे फोन करके मिलने आती हूँ, है ना? अरे सुन सुन स्मिता, वो एक आइडिया दे सकती है क्या, महीने की इसमें कितनी कमाई हो जाती है? 25,000 से 40,000 तक? That's excellent. ठीक है मैं तुझे वीकेंड पर ही मिलती हूँ, ओके? थैंक्स अ लॉट यार, बाय। कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था, क्लाइंट्स को मिलाया और उनकी फॉर्म्स बैंक में सबमिट भी कर दिए। अब आप बेटर फील कर रहे हैं ना? हाँ। बच्चे कैसे? बिल्कुल ठीक। रावी आज सिंसियरली पढ़ाई कर रही है, राशि महारानी सो रही हैं और सनी जी पेंटिंग कर रहे हैं। मैंने हमारे सेविंग्स चेक किए, 3 महीने के लिए तो हम कंफर्टेबल हैं।
लेकिन उसके बाद थोड़ा संभल कर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। पेंशन प्रोविडेंट फंड को भी आते आते 3-4 महीने लग ही जाएंगे। मैं कल ही अपने रेज्यूमेस तैयार करके प्लेसमेंट एजेंसीज को दे दूंगा, फिर देख। आप चाय पियेंगे? नहीं। जीत, कल वो सांता क्लॉस वाले गिफ्ट्स में आपके काफी पैसे खर्च हो गए ना, बड़े महंगे गिफ्ट्स थे। वो जरूरी था, बहुत जरूरी। मैं लकी प्लाजी से भी मिलाया, मैंने उन्हें कहा कि मकान की बुकिंग कैंसिल कर दें। जीत, जरूरी है क्या बुकिंग कैंसिल कर देना? मेरा मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि प्रोजेक्ट अभी शुरू हो जाएगा, और रेगुलर पेमेंट्स भी तो काफी बाद में ही शुरू होंगी ना। जान, कौन सा बैंक मुझे लोन देगा? जब तक हाथ में जॉब होती है बैंक भी लोन दे देता है। आई नो, जानती हूँ, लेकिन वो मैंने ना कुछ सोचा है, बताऊं? हाँ, क्या? मेरी वो फ्रेंड है ना स्मिता, वो ना एक कंपनी के लिए काम करती है, मतलब उस कंपनी की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स ना मार्केट में ऐसे नहीं मिलते, उन्हें खरीदने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, और सेल्स होने पर ना कमीशन मिलती है अच्छी खासी। घर बैठे ही ये काम हो सकता है जीत, तो मैं सोच रही हूँ कि ट्राई कर लूँ। मैंने अपना बायोडाटा भी बना दिया है, मतलब अभी बना रही हूँ। सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, हो सकता है इसके जरिए ही कोई अच्छा काम मिल जाए। और आप ना सनी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उसे हम मैनेज कर लेंगे। हमारे पास में मिसेस पंजाबी रहती है ना, वो बड़ा अच्छा डे केयर सेंटर चलाती है, बड़ी अच्छी लेडी है, और उनसे कह देंगे सनी। क्या हुआ? क्या मैं सच में लूजर हूँ? उस दिन बॉस ने भी ऐसा ही कहा था, आज इतने सालों बाद तुम घर से बाहर निकलकर काम करने की सोच रही हो। नहीं जी, मैं घर से इसीलिए बाहर नहीं निकलना चाहती क्योंकि आप लूजर हैं, बल्कि इसलिए ताकि आप सबको साबित कर दो कि आप लूजर नहीं हैं। और ये करने के लिए आपको शायद थोड़ा वक्त लग जाए, बस वही वक्त मैं आपको देना चाहती हूँ। सिर्फ थोड़े समय के लिए काम करूंगी, ना कि पूरी जिंदगी के लिए। मैं जानता हूं कि ये तुम हमारी खातिर सोच रही हो, बच्चों की खातिर। हाँ। लेकिन प्रॉमिस जान, मैं जल्द ही कुछ वर्कआउट कर लूंगा, प्लीज तुम काम करने की मत सोचो। बच्चों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, अगर तुम बच्चों के साथ रहोगी तो मैं निश्चिंत होकर कुछ नया करने में अपनी सारी एनर्जी डाल सकता हूं, है ना? सनी क्या कर रहा है? फैब्रिक पेंटिंग। सनी, ये पागल हो गया, मेरी शर्ट है ये, तूने मेरी स्कूल की शर्ट खराब कर दी, तुमने मेरी ड्राइंग खराब की, दो मुझे कपड़ा वापस। होते जा रहे हो तुम, कोई ऐसे काटता है? सनी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम सुबह से ना किसी का कहना मान रहे हो और ना अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हो।
ये काटना तुमने कहाँ से सीखा है? देखो किस तरह तुमने राशि को काटा है। ये देखो ना जी, जल्दी से एंटीसेप्टिक क्रीम ले आओ। हाँ हाँ डैड, सनी है ना बहुत बदमाश हो गया आजकल। सनी कहाँ गया? अपने कमरे में गया है। मैंने उसे बड़ी जोर से थप्पड़ मार दिया, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। अब कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। मम्मी, सनी मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पे पेंटिंग कर रहा था, जब मैंने उसे डांटा तो उसने काट दिया। बेटा मैं यूनिफॉर्म धो दूंगी, ठीक हो जाएगी। हाँ सुके बेटा, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। जाओ खेलो। Don't worry. जी तो एक्चुअली गलती मेरी है, उसने मुझसे पुराना कपड़ा मांगा तो मुझे निकाल कर देना चाहिए था ना। बच्चा है, उसे कहाँ से समझ में आता, जाकर देखती हूँ उसे। बेचारा सानी बाबा, ये सब क्या है? आप क्या कर रहे हो बेटा? मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ? घर छोड़कर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.